दोस्तों साथियों, कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस के मूल मंत्र को लेकर चलने वाला कॉमटेरिया पूरे विश्व, भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार और प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। आइए, हमने पिछले लेक्चर में उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा एस्पिरेंट्स के लिए पहला लेक्चर उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रथम बनाया था, क्योंकि काफ़ी प्रसन्नता का विषय है, काफ़ी छात्र ने अच्छा इस पर इंटरेस्ट लिया, इसीलिए कॉमटेरिया प्रेरित हुआ है उत्तर प्रदेश स्पेशल के अन्य लेक्चर्स को बनाने के लिए। बड़े ध्यान से कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और ज़रूरतमंद मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। आइए, अब हम बिना समय गवाए कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल के उत्तर प्रदेश PCS उत्तर प्रदेश स्पेशल पर चर्चा करते हैं। पिछले पार्ट में हमने चर्चा कर ली थी ऋतुओं पर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल पर, अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों पर। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी और यमुना नदी। आइए हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। बड़े ही ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनेंगे, मेरी गारंटी है कि इन लेक्चर्स से 4 से 5 उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न निश्चित ही फंसेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन जो किया गया है, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, जिसमें बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, और जो दूसरा विभाजन है बुंदेलखंडी मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियाँ। बांगर मिट्टी, उत्तर प्रदेश की जो बांगर मिट्टी है, यह खनिज की प्रचुरता होती है इसमें, फास्फोरस और चूना, और इनमें नाइट्रोजन पोटास और जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। उपरहार मिट्टी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है, उपरहार मिट्टी भी बोलते हैं बांगर को। और बांगर मिट्टी के अन्य नाम जो उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं, दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ और उपरहार मिट्टी, इन सभी नामों से बांगर मिट्टी को जाना जाता है। अब हम देखते हैं खादर मिट्टी, जो उत्तर प्रदेश की खादर मिट्टी है, उसके बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है खादर मिट्टी में, और इसका विस्तार नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में होता है। और खादर मिट्टी के अन्य नाम हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, सिल्ट बटुआ बलुआ मिट्टी और मटियार दोमट मिट्टियाँ, ये सारी खादर मिट्टियों की अन्य नाम हैं। इनकी विशेषता क्या है, आखिर खादर मिट्टियों की विशेषता क्या है, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ खादर सॉइल। हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त और महीन कणों वाली मिट्टियाँ होती हैं। इनमें खनिज उपलब्धता की बात करें तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। ह्यूमस पदार्थ का मतलब नमी युक्त पदार्थ। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 के लिए तैयार करिए अपने आप को उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि बड़े ही सहजता से आपको कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल तैयार करा देगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा GK के प्रश्न नहीं आते, उत्तर प्रदेश स्पेशल काफ़ी कम ही होते हैं, लेकिन वह भी एक एक प्रश्न की बड़ी ही महत्व है। भाभर पर्वतपदी क्षेत्र की बात करेंगे, मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टियाँ, जो कि नदियों के लुप्त हो जाने वाला क्षेत्र में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दुआब और गंगा राम गंगा दुआब क्षेत्रों में जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, एवं उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिकटा, करियाल और धनका के नाम से जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्रमशः आप नाम याद रखें। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पर्वत प्रदी मृदाएँ, लाल बलुई मृदाएँ, तराई मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ, लाल और पीली मृदाएँ, मिश्रित लाल और काली मृदाएँ, मध्यम काली मृदाएँ, कैल्शियम युक्त मृदाएँ और जलोढ़ मृदाएँ। मृदाएँ का मतलब मिट्टी, नोन एज सॉयल, सॉयल मिट्टी मृदाएँ। अब बुंदेलखंडी मृदा का हम विशिष्ट तथ्य समझते हैं कि इनको अन्य किन नामों से जानते हैं, तो यह परवा, पड़वा, माड़ या मार, राकर, राकड़, मृदा, भोटा मृदा, इस नामों से बुंदेलखंडी मिट्टियों को जाना जाता है, क्योंकि जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर के क्षेत्रों तक फैली हुई है और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ ये होती हैं। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में और द्वितीय वन नीति 1988 में लाई गई। उत्तर प्रदेश वन नीतियों का संचालन 1998 से किया जा रहा है और राज्य वन नीति 2017 उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर लागू की गई है। एक नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद कितने प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये उत्तर प्रदेश में तीन तरह के। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का प्रारंभ जुलाई 1952 में किया गया और वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन सप्ताह महोत्सव के तरह से मनाया जाता है और इसका मूल आधार है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। और ऑपरेशन ग्रीन की जो शुरुआत की गई वर्ष 2007-08 में, वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में चलाए गए, ऑपरेशन ग्रीन 2007-08, सामाजिक वानिकी योजना 1979, बांस रोपण वन सुधार योजना 2007-08 में एवं वृक्षारोपण विस्तार 2007-08 में, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना चलाई गई 2004-05 में और सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया उत्तर प्रदेश में 2005 और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में चलाई गई। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ 1989-90 में किया गया। अब हम उत्तर प्रदेश में वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, रामसर वेटलैंड्स, ये सारे चीज़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़े ही रोचकता से और गंभीर तरीके से इस लेक्चर को आप सुने। निश्चित ही 2-3 प्रश्न इसी लेक्चर से शब्दशः उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्राप्त होंगे, जो कि 12 जून 2022 को कराया जा रहा है। उसके अगले हफ्ते ही 19 जून 2022 को महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा परीक्षा एवं राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक कराई जाएगी। उसके बाद जल्द ही BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का भी आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की घड़ियां हैं लोक सेवा आयोग एस्पिरेंट्स के लिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों में उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्यों की चर्चा करेंगे। 3 बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। 3 बाघ अभयारण्य हैं, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर में है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ और उत्तर प्रदेश का प्रमुख चिड़ियाघर है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर एवं कानपुर प्राणी उद्यान। ये सारे एक प्रश्न इसमें से निश्चित ही एक प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। कॉमटेरिया पूर्णतः समर्पित है छात्रों के महत्वपूर्ण भविष्य के लिए और छात्रों के ही हित में नित निरंतर कॉमटेरिया अपने आप को समर्पित कर चुका है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का निःशुल्क प्रचार एवं प्रसार कॉमटेरिया YouTube चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा के लेना चाहते हों, निःशुल्क
शिक्षा को सिंचित करना चाहते हों वह ट्यून करें कॉम टेरी एजुकेशन चैनल। मेरा आग्रह है विश्व के सभी छात्रों से जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर फ्री लेक्चर्स प्राप्त करना चाहते हैं, निसंकोच काम टेरिया एजुकेशनल चैनल को ट्विन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं, किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं, 11 वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। क्रमशः चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा जिला, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में और सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर गोंडा और श्रावस्ती में, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा में, इसके साथ ही साथ महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में और कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है, और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ हापुर बिजनौर अमरोहा और मुजफ्फरनगर जिले से सीमा लगाता हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर का बड़ा महत्व रहा है महाभारत में। सुहागी वरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बड़ा ही निकट है, आज तारीख हो गई 17 तारीख, और एक महीने भी मुश्किल से नहीं है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। 250 सीटों पर पूरी जान लड़ाकर दिनों रात तप कर तैयारी कीजिए और निश्चित ही सफलता प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त कीजिए। कॉम टेरिया यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के बड़े ही रोचक लेक्चर्स की श्रृंखलाएँ चल रही हैं। इसके पहले कॉम टेरिया यूट्यूब चैनल ने 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल एवं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चनरीज फॉर्मेट का प्रारंभ किया था। बिहार 67वीं पीटी किसी कारणवश लीक हो जाने के कारण क्वेश्चनरीज का जो क्रम है वो चालू किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल को ख़त्म कराने के बाद बिहार के अभ्यर्थी निराश न हो, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी स्पेशल लेक्चर्स इन्हीं दिनों में बीच बीच में मैं देता रहूँगा, और लगे रहें बने रहें लोक सेवा आयोग एक्सपीरियंस बराबर ट्विन करें कॉम टेरिया यूट्यूब चैनल को। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार 14 हैं, उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार हैं, उनके क्रमशः मैं नाम ले रहा हूँ, इसको ध्यान रखें और नोट कर लें कहीं। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा, पार्वती अर्घा वन्यजीव विहार गोंडा, सूर्य सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा इटावा, समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार बलिया। देखिए यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार किस जिले में, बड़ा ही सरल उत्तर है बलिया। शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव, और समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली, पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा। देखिए अक्सर विद्यार्थी चकित हो जाते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में पटना वन्यजीव विहार कहाँ से आ गया, तो बिहार की राजधानी है, तनिक भी कन्फ्यूज ना हो। पटना वन्यजीव पक्षी वन्यजीव विहार एटा जिले में पाया जाता है, और लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़। ये महत्वपूर्ण सूचना जो कि उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य पक्षी अभयारण्य की चर्चा हमने की। एक प्रश्न 7%, देखिए कोई शक न रहे, 100% कॉम टेरिया गारंटी ले रहा है कि इस लेक्चर में से 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में आपके समक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश में मछलियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, मछली खाने वाले खुश हो जाएं, मछलियों की प्रजाति के नाम मैं ले रहा हूं और आप देखें कौन कौन सी मछली की प्रजाति आपके यहाँ पाई जाती है। सिंधी कट्टा मत्स्य बित्तल हिलसा ईल सौल क्यूचिया तेगन ट्राउट पड़हिन लाबी रसेला ब्रिगाल मांगूर और रोही और सिंधी, ये सारी मछलियाँ की प्रजातियाँ जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में
इटावा सफारी पार्क बनाया गया है, जिसकी स्थापना एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया और पर्यटन के विकास के लिए इटावा सफारी पार्क बनाया गया। इसमें भालू, तेंदुआ, हाथी, हिरण और शेर भी निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में वन जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई, जिसमें मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा बड़ी ही रोचक जगह है, राधा कृष्ण का महत्वपूर्ण धाम। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा, कछुआ पुनर्वास योजना गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है कछुआ पुनर्वास योजना, और घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना या मगरमच्छ घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, ध्यान रखें। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है और सन 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987-88 से, और 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य को। 9 जून 2014 को बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व बनाया गया, 3 टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताए थे शुरू में ही, उसमें से एक। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न बड़े ही रोचक और बड़े ही महत्वपूर्ण शब्दशः इसी प्रकार से ही प्रश्न आ जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। 10 आर्द्र भूमि स्थल पूरे भारत से उत्तर प्रदेश में अकेले ही अपना महत्व रखते हैं। ईरान के रामसर नामक स्थान पर रामसर कन्वेंशन किया गया था, वहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड वेटलैंड्स की जो सीरीज है उसमें उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों को आर्द्र नम भूमि आर्द्र भूमि स्थल के रूप में मान्यता मिली है, जो कि है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, पार्वती अर्घा पक्षी विहार गोंडा में और समान पक्षी विहार मैनपुरी में, इसके साथ ही साथ समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर जून 2021 में शामिल किया गया, ये भी रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, और हरदोई में है सांडा पक्षी विहार हरदोई का, इसके साथ सरसई नवार झील इटावा की और सूर सरोवर आगरा का, और ब्रिजघाट से नरोरा तक जो ऊपरी गंगा नदी है ये भी वेटलैंड में शामिल की गई है, और मुजफ्फरपुर और बिजनौर के हैदरपुर आर्द्र भूमि को भी वेटलैंड में शामिल किया गया। कुल मिलाकर 10 आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश से रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल की गई है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा का क्रम चल रहा हो, कैसे हम भूल सकते हैं उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में है गंडक और राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा और घाघरा और गंगा, काली नदी या शारदा नदी और घाघरा और गंगा। देखिए ये सारी नदियाँ जो हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, गंडक, राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा, घाघरा और गंगा, और प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में है टोंस, कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन और सोन। और हम चर्चा करेंगे आज, देखिए मैं बता रहा हूँ हिमालय पर्वत से जो क्रम होगा निकलने का, गंगा, रामगंगा, उसके साथ में यमुना, फिर गोमती, घाघरा, टोंस और गंडक, सोन, कोसी, बागमती, सारी नदियाँ हिमालय पर्वत के ही विभिन्न खंडों से निकलती हैं, और एक क्रम की तरह से याद रखें तो ऊपर से नीचे का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम हम देखें, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, और उत्तर से दक्षिण का एक क्रम देखें यमुना, टोंस, सोन। उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियों का क्रम हम देखते हैं, उत्तरी किनारे से
गंगा में मिलने वाली नदियों क्रम होगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। और दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियां जो होंगी गंगा में वो हैं यमुना, तोंस और सोन। यह क्रम होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर कॉम्पटेरिया नित्य निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करता है उत्तर प्रदेश स्पेशल UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 उत्तर प्रदेश विशेष लेक्चर। इसका दूसरा लेक्चर है ये। पहला लेक्चर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के विशिष्ट तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है या गोमुख, गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद, और मुख्य धारा का नाम होगा गंगा के, जहाँ से मुख्य धारा निकलती भागीरथी कहा जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा। और संयुक्त धारा में हम नाम लेंगे तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में इनका संगम है। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक गंगा का विस्तार स्थल है। गंगा नदी बहुत बृहद है। बंगाली खाड़ी में गंगा नदी का डेल्टा बनता है और इसके बाद 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती हैं गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर, ये सारे शहर जो है, मैं खुद वाराणसी से संबंध रखता हूँ, मैं काशीवासी हूँ और मैं गंगा का महत्व समझ सकता हूँ। गंगा एक नदी ही नहीं अपितु एक देवी की तरह पूजनीय नदी। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम। गंगा को एक देवी की तरह पूजा गया है। शीतला को एक देवी की तरह पूजा गया है। माता अन्नपूर्णा को काशी में देवी की तरह पूजा गया है। तो काशी में, फर्रुखाबाद में, प्रयागराज में, कन्नौज में, मिर्जापुर में, गाजीपुर में, कानपुर में, ये सारे तटीय स्थल, तटीय शहर माँ गंगा के ही पावन प्रांगण पे स्थित है, उन्हें किनारे पे स्थित है। और हर एक गंगा तटीय वासी अपने आप को धन्य प्रतीत करता है कि वह गंगा के किनारे रहता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से भी यदा कदा पूछ लिया जाता है। कीठम, सूर सरोवर आगरा, सूर सरोवर या कीठम कोई भी नाम से देगा आगरा में, गौर झील रामपुर, बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहाँपुर, बरुआ सागर झांसी, कुंद्रा समुद्र उन्नाव, मदन सागर महोबा, दरार गर्त या टांडा दरी मिर्ज़ापुर, कृत्रिम झील है बेला सागर ये महोबा में, चित्तौरा झील बहराइच में, दरवन झील अयोध्या में। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, अयोध्या से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दरवन झील अयोध्या। सुराहा ताल बलिया, करेला लखनऊ, समस्तपुर झील रायबरेली, ये सारी झीलों की चर्चाएँ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें, उनसे संबंधित जिले, झीलें किस जिले में हैं ये चर्चा हो रही है। रायबरेली के समरसपुर झील, रायबरेली, राधा कुंड मथुरा में, बलहापारा कानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, और औंधी ताल झील है वाराणसी में, मोती झील है कानपुर शहर में, रामगढ़ ताल है गोरखपुर में, और शेखा झील है अलीगढ़ में। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ जब चल रही हों तो तुरंत ही इस लेक्चर को सुनने के लिए आतुर रहे और डायरेक्ट प्रश्न सीधे UPPCS प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त करें। यमुना नदी का उत्तर प्रदेश में देखिए उद्गम है यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से इनका उद्गम स्थल है यमुना नदी का। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से, जो कि बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से। और इनका अपवाह क्षेत्र जो होगा ये उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ सहायक नदियाँ मिलती हैं। चंबल इटावा के पास मिल जाती हैं चंबल, और हमीरपुर के पास बेतवा मिलती हैं यमुना में, और बांदा या भोजहा के पास, बांदा में भोजहा जगह के पास केन नदी मिल जाती हैं। यमुना के किनारे अवस्थित जो महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश के, वह मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी,
ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ नित्य निरंतर कॉमेंटेरिया आपके सेवा में और शैक्षणिक लेक्चर से लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता है। कॉमेंटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, सबके पढ़ने का, सबके बढ़ने का और निःशुल्क शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में मुफ्त शिक्षा का प्रचार करता कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल। चैनल के वीडियोस को भारी मात्रा में व्यू करें और भारी मात्रा में इसको शेयर करें ज़रूरतमंदों तक। ये सारे लेक्चर्स पहुंचने चाहिए और आप इस लेक्चर्स का नित्य निरंतर लाभ लेते रहें। कॉमेंटेरिया पूर्णतः समर्पित है निःशुल्क शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए। यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया प्रोग्राम के तहत कॉमेंटेरिया संकल्पित है पूरे भारत में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए। इस अभियान में कॉमेंटेरिया को अधिक से अधिक प्रसारित करें, प्रचारित करें एवं कॉमेंटेरिया के निःशुल्क एजुकेशनल वीडियोस को आप इतना ज़्यादा शेयर करें कि ज़रूरतमंद छात्रों तक इस चैनल की पहुंच जाए और सभी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो भी छात्र किसी प्रकार से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशनल मटेरियल खरीद पाने में सहज नहीं है, उन सभी छात्रों के लिए बड़े ही उत्कृष्ट मटेरियल को अपनी भाषा में टप कर कॉमेंटेरिया एजुकेशनल चैनल उनके पूरी सफलता के लिए कटिबद्धता से निःशुल्क शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए पूर्णतः समर्पित काशी का एकमात्र निःशुल्क चैनल कॉमेंटेरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।